नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही आसान। बस आपको दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा। यहाँ पर हमने एक सर्किल बनाया, सर्किल बनाने के बाद बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। इस तरह आप पेंसिल की हेल्प से बना लेंगे। फिर गाइज, आपको 5 times यू लेटर ऐसे लिखना होगा, इसको बहुत ही ध्यान से करिएगा। एक यहाँ पे बनाएंगे, एक छोटा बनाइएगा, थोड़ा इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा है, फिर एक थोड़ा इससे बड़ा, आप ऐसे आसानी से बना देंगे। बनाने के बाद अब आपको देखिएगा ये वाला सिरा है, यहाँ से दोस्तों आपको इसको आगे की तरफ इस तरह बढ़ाना होगा। यहाँ से डबल करिए, फिर गाइज इसको आगे की तरफ बढ़ाइएगा और बस आसानी से आप यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। इधर से भी आपको आगे की तरफ बढ़ाना होगा, यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ करिएगा, हल्का सा और अंदर की तरफ, फिर बाहर, इधर भी आप ऐसे आसानी से डबल कर दीजिएगा। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसानी से बनाना सिखा देंगे। यहाँ पर भी ऐसे डबल करिए, नीचे की तरफ बढ़ाइएगा, ये हो जाएगा। अगर आप पहले यहाँ पर 5 times यू लेटर लिख लेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। फिर इसके बाद आपको नीचे की तरफ बढ़ाना होगा, यहाँ से डबल करिए, इधर भी आप ऐसे आसानी से नीचे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। और आज हम आपको इसके पार्ट्स नेम भी लिखना सिखाएंगे, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला सिरा आपको दोस्तों यहाँ से ऐसे करना होगा, फिर अंदर की तरफ डबल करिए, बाहर की तरफ ले जाइएगा, इधर से भी आपको ऐसे डबल करना होगा। इसको आप ऐसे अंदर की तरफ बढ़ाएंगे, फिर गाइस यहाँ से जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, इधर से देखिएगा, इधर से ले जाएंगे, यहाँ पर ऐसे बढ़ाइए। ये वाला पोर्शन आपको आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ाना होगा, इसको आपको डबल करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको हर पार्ट्स के साथ ऐसे डबल करना होगा। नीचे की तरफ भी बढ़ाइएगा, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इधर आप ऐसे बढ़ाएंगे, फिर गाइज इधर से भी आप ऐसे डबल कर देंगे। बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ आप ले जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है इसका यूज करना होगा। इधर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पतला सा लाइन ड्रॉ करना होगा, इधर से लाइन ड्रॉ करिएगा। बहुत ही सावधानीपूर्वक आप इसको ऐसे डबल करते हुए यहाँ तक बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद आपको एक लाइन इधर ऐसे ड्रॉ करना है, फिर नीचे की तरफ करिएगा, आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे, एक यहाँ पर मिला दीजिए। 4 times आपको ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करना होगा। एक बार और आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ से बढ़ाइए, इसको मिलाइएगा, इधर ऐसे आप मिला देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला सिरा आपको यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाना है, इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, ये डबल करिए, इधर बढ़ाइएगा, आगे की तरफ यहाँ पर भी ऐसे एक डबल करना होगा आपको, इधर से आगे की तरफ फिर से डबल करिए, यहाँ पर ऐसे मिला दीजिएगा। बीच में दोस्तों आपको बनाना है केंद्रक। केंद्रक बनाने के लिए हम यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बना देंगे, तो ये हमारा केंद्रक बन के तैयार हो गया। देखिएगा, हम आपको पार्ट्स नेम बता देते हैं। ये बीच वाले को हम बोलेंगे केंद्रक, तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक तीर बनाइएगा, तीर बनाकर आप आसानी से केंद्रक यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया हमारा केंद्रक दोस्तों। केंद्रक के बाद आपको ये जो यहाँ पर बाहर के साइड में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं द्रुमिका, हिंदी में बोलते हैं द्रुमिका। यहाँ पर ऐसे एक एरो लगाइएगा, आप आसानी से द्रुमिका लिख दीजिएगा। अभी हम आपको कलर भी करना सिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहिएगा। कलर करना चाहते हैं कलर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पेंसिल की हेल्प से शेड भी देख सकते हैं। और बीच में दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है पूरा हमारा केंद्रक के इधर बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं कोशिका काय। तो यहाँ पर एरो लगाइएगा, आसानी से नीचे के साइड में आप कोशिका काय लिख दीजिएगा। आप हमारे साथ ही बनाते रहिएगा, हमारे साथ बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। कोशिका काय हो गया। अब देखिएगा, ये वाला सिरा जो यहाँ से जा रहा है हमारा, इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाच। तो आप यहाँ पर लिखेंगे तंत्रिकाच दोस्तों, ये हो गया तंत्रिकाच। तंत्रिकाच के बाद, और ये जो बाहर का सिरा है इसको हम बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो यहाँ पर आप ऐसे एरो लगा दीजिएगा, एरो लगाने के बाद आप आसानी से लिख देंगे तंत्रिका का अंतिम सिरा। और तंत्रिका का अंतिम
ये हो गया हमारा अंतिम और सिरा। इसके बाद दोस्तों आप इसका नीचे के साइड में लिख दीजिएगा तंत्रिका कोशिका का चित्र। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं और आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।